यह है जेड एमआर का मीटर, फेडेड डिस्प्ले। इसका हमने डिस्प्ले रिपेयर किया है और इसमें सेट किया है आरजीबी लाइट विद रिमोट। तो शुरू करते हैं। ये मीटर आया है हमारे पास आंध्र प्रदेश से। और नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। तो ये इसमें से निकला है जेड एमआर का मीटर। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही है, डिस्प्ले इसका फेड हो चुका था, फिर भी मैं आपको एक बार इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। ये मेल का है इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा लो है। बाकी बटन दोनों बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो इसके हम स्क्रू खोल लेते हैं सभी। इसमें टोटल 25 स्क्रू होते हैं, जिसमें से कि 7 स्क्रू इसके टॉप वाले पैनल में रहते हैं। तो ये हमने इसके खोल दिए। ये थोड़ा डैमेज है, शायद किसी ने हीट वगैरह करके स्क्रू खोलने का ट्राई किया हो इसमें पहले। तो ये खुल गए हमारे इसके सभी स्क्रू। अब एक बार इसको विदाउट बॉडी एक बार ऑपरेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं डिजिट सारी कंप्लीट हैं, सिर्फ फेड हो गई है। तो फेड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मीटर चेंज करना है, आपका ओरिजिनल डिस्प्ले ही रिपेयर हो जाएगा। तो ये इसके बॉन बॉडी वाले स्क्रू तीनों खुल गए। अब हम इसके बोर्ड को बॉन बॉडी और डिस्प्ले से अलग करेंगे, जिसमें इसका ये जो फ्रेम है ऊपर का, ये इसको लॉक करके रखता है। तो इसके सभी लॉक खुल गए और ये बोर्ड हमारा अलग हो गया है। अब इस फ्रेम में से डिस्प्ले अलग कर लिया और डिस्प्ले हमने बॉन बॉडी से भी उठा लिया है। तो इस मीटर में हम दो काम करेंगे। एक्चुअली इसमें एक वीडियो डिलीट हो गया मेरे से गलती से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि मैंने इसकी शीट चेंज करते हुए दिखाया था, जो इसकी ये जो ब्लू कलर की शीट देखी थी आपने बॉन बॉडी के ऊपर जो रखी थी, इसमें वो चेंज की थी मैंने, क्योंकि इसमें मुझे आरजीबी लाइट लगाना था। तो आरजीबी लाइट लगाने के लिए वो जो शीट है उसका वाइट होना ज़रूरी है, ताकि पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, जो भी कलर नीचे आए वही कलर ऊपर ग्लो करे। अब ब्लू रहेगा तो वो कलर चेंज कर देगा। तो इसमें देख सकते हैं कितना सारा ग्लू है इसके डिस्प्ले के ऊपर। ये पूरा हमें अच्छे से क्लीन करना है, और इतने ध्यान से इसको क्लीन करना है कि कोई भी प्रिंट ना कटे और डिस्प्ले के ऊपर स्क्रैचेस ना आए। तो अब हम इसको ये डॉक्टर केमिकल से साफ़ कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले लगभग साफ़ हो चुका है, काफ़ी ध्यान से करना रहता है। चलिए, डिस्प्ले का काम हो गया। और जो वीडियो मैंने आपको बताया था वो वीडियो वही था जो इसके बीच का था। तो इसमें देख सकते हैं इसमें ऊपर की शीट मैंने चेंज करके वाइट कलर की डाल दी है, जिसमें कि कलर बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंटली अच्छे से ग्लो कर रहा है। ये देखिए रेड कलर में डिस्प्ले हो गया है। हम इसमें जो कलर सेट करेंगे वही कलर इसमें आ जाएगा। तो अभी बारी आ जाती है इसकी फिटिंग की। फिट करने से पहले डिस्प्ले को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये लग गया हमारा इसका क्लैंप ऊपर का फ्रेम, जो कि डिस्प्ले को लॉक कर देगा। इसके सभी लॉक हमने अच्छे से पैक कर लेने हैं। तो चलिए अब एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कोई भी कलर आप इसमें लगा सकते हैं, सब कलर का जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विजिबिलिटी हमारी कैमरे में आपको दिखाई दे रही है, इसमें रियल में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दिखता है मीटर, क्योंकि कैमरा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हम नॉर्मल आँखें से नहीं देख सकते, जो कि हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा स्पीड और आरपीएम दोनों भी इसके चेक हो चुके हैं। कलर देख लीजिए सारे कितने अच्छे से ग्लो कर रहे हैं, और रियल में ये कलर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे, ब्राइट और अच्छे दिखते हैं। देखिए ब्लू जैसे ही आता है, ब्लू कलर कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं करता है, ब्लू में एकदम से डार्कनेस आ जाती है जो कि रियल में नहीं आती है। तो देख सकते हैं मीटर कम्प्लीटली वर्किंग हो चुका है। अभी सब काम हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है, आरजीबी लाइट इसके अंदर लग चुकी है, डिस्प्ले इसका रिपेयर हो चुका है। तो अभी आ जाते हैं इसकी फिटिंग पे। मीटर को अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कचरा अंदर रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। सो इसके बोन बॉडी के 3 स्क्रू, जो कि इसको बोन बॉडी को टाइट रखेंगे इसके साथ। और ये हमारा इसका बैक कवर,
इसमें भी बहुत सारे स्क्रू लगते हैं, अगर मशीन ना हो तो सच में हाथ दुख जाएं इतने सारे स्क्रू टाइट करते करते। ये इसके लास्ट के 7 स्क्रू सभी फिट हो गए हैं। तो चलिए देखिए चेक कर लेते हैं ग्रीन कलर में, आपको इसमें कलर भी चेंज करके दिखाएंगे, स्पीड भी चेक करके दिखाएंगे और इसमें आपको RPM भी टेस्ट करके दिखाएंगे। मैं एंगल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिस एंगल से कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो जाए, क्योंकि रियल में सच में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और कैमरा उस खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। सो देख सकते हैं ये ब्लू कलर, देख लीजिए आप इसमें कितना बेकार दिखता है कैमरे में, बट और रियल में देखते हैं तो कितना अच्छा दिखता है। तो ये इसके सभी कलर आप देख पाएंगे इसमें, ये ऑटोमेटिक चेंज में इसको डाल दिया है। अभी आप कोई भी लेमिनेशन आपके बाइक पे कराइए, आपको जैसा आपका मीटर चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा जिस कलर में आपको चाहिए। और रिमोट को आपको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेली चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार चेंज कीजिए अपना रिमोट घर पर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।